हमारे इस फिल्म से कैसे जुड़ना हुआ? देखिए, अकबाल ने हमें अप्रोच किया था इस फिल्म के लिए, और उसके बाद हमने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, अकबाल ने इस फिल्म के बारे में हमें बताया, और जब हमने अपने रोल के बारे में सुना और इस फिल्म के बारे में सुना, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, सो आई डिसाइडेड टू डू दिस फिल्म। जी, इसके बाद दो और फिल्म्स हैं हमारी जो कि जी, इससे पहले राम गोपाल वर्मा की दो फिल्म्स की हमने, एक डी द कंपनी थी और एक थी सरकार। देखिए, एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है, इसमें जो हमारा रोल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी बात आपको देखने के बाद फिल्म पता चलेगा कि ये फिल्म हमने क्यों साइन की थी। अगर हमने आपको फिल्म की कहानी बता दी तो फिर आप फिल्म देखेंगे क्यों? फिल्म एक एक्चुअली इट इज़ अ रिडेम्पशन प्लॉट। इसमें फिल्म के ऑल्दो इट्स बेस्ड ऑन फुटबॉल, फुटबॉल गेम के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इस कहानी के थ्रू हम लोग ये भी समझ में आता है जब फिल्म ख़त्म होती है कि इंसान चाहे अपनी ज़िंदगी में एक वक्त पे कितना हार जाए, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी उसे दूसरी चांस देती है, तीसरी चांस देती है, तो वो जानकर और हिम्मत से ही काम लेना चाहिए, तभी हम लोगों की लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है। जी, हम मनोज बाजपेयी के ऑपोजिट हैं, और ये एक ऐसा रोल है जिसकी वजह से सारे लोग साथ आए हैं, इस कैरेक्टर की वजह से, जिस लड़की का कैरेक्टर हम प्ले कर रहे हैं उस कैरेक्टर की वजह से सारे लोग साथ आते हैं और फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। हमारे ऊपर दो गाने फिल्माए हैं और म्यूज़िक बहुत अच्छा है, विजू शाह ने म्यूज़िक दिया है, एंड इट्स लवली। आप तो पूरी कहानी मालूम कर लेते हैं, फिर आप फिल्म क्या देखेंगे? सिचुएशन अलग अलग, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, कुछ रोमांटिक गाने हैं जो कि नए लड़के लड़की हैं उनके ऊपर फिल्माए गए हैं, कुछ एक ऐसा गाना है जब सब लोग साथ में हैं उनके साथ है, एक हमारा और मनोज का गाना है, सो इट्स ऑल सिचुएशनल सॉन्ग्स। देखिए, अभी तो हम लोगों ने फर्स्ट शेड्यूल इसका किया है, जो कि हम लोगों ने कसौली में किया है, जो शिमला के बराबर एक छोटी सी जगह है, जिधर से हिल स्टेशन है, उसके बाद हम लोग मलेशिया में शूट कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप किसी टैलेंटेड एक्टर के साथ काम करते हैं, जब भी आप किसी मंझे हुए कलाकार के साथ काम करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, चाहे वो डायलॉग की अदायगी हो, चाहे आपका कैमरा एंगल आप समझें, चाहे आप किस सीन को किस तरह से करना चाहिए वो आप सीखें, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है अच्छे कलाकार के साथ। देखिए, इंसान का तो हम इतना बता सकते हैं कि जितना वक्त हमने और हम लोगों की यूनिट ने उनके साथ गुजारा है, हमें लगा है कि वो बिल्कुल ही एकदम टेंट्रम फ्री इंसान है, जो कि उनकी एक जगह है एज अ स्टार। ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, एंड एज एन एक्टर तो सारी दुनिया जानती है कि वो कितने उम्दा एक्टर है। देखिए, आने वाले हमारे प्रोजेक्ट्स में दो फिल्म्स हैं जो कि हमारी दिसंबर में स्टार्ट हो रही हैं, और उसके अलावा हम एड्स कर रहे हैं, अभी सकोला सॉल्ट के लिए एक ऐड किया है, एक लाइफ बॉय हैंड वॉश के लिए कमर्शियल किया है, अभी एशियन पेंट्स के लिए एक कमर्शियल कर रहे हैं।